और अभी ये फिलहाल हम सारी कटाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी क्षेत्र पकी भी नहीं है और जहाँ जहाँ से पकी है वही काट रहे हैं फिलहाल। घर का ही सरसों जैसे लगी हुई है तो घर का ही सरसों पत्ती लगा ना, मतलब जीना आसान है पहाड़ों का। आप कहाँ से? डोडा से? डोडा से और रहने वाला असम गुवाहाटी। असम गुवाहाटी से। लगता कुछ चला गया, बिच्छू चला गया लगता है। बिच्छू है। ठीक है, जाने के लिए मम्मी पापा भी हमारे यहाँ पर हैं। पापा यहाँ पे कर रहे हैं तैयारी सरसों कटाई की और मम्मी वहाँ पे जा रहे हैं। देखिए तो बस अब मैं भी जाता हूँ, करते हैं फिलहाल जैसे भी पत्ती है। इसे पिछले साल भी हमने देखी होगी कि मक्की के ब्रोनो चुप स्टार्ट हो गया, ब्रोनो भी स्टार्ट हो गया। तो पिछले साल भी आपने देखा होगा कि मक्की का सरसों तेरी गाइस इसको देखियो, ये अभी इसको पता लग गया है। मम्मी पापा वहाँ पे गए हुए हैं, मुझे भी लेके जाओ, ये भी तैयार हो गया जाने के लिए। तो चलो इसको भी लेते हैं, तंग करता है बोला। चल चल, अभी कह रहा है कि मेरे को भी खोलो, मैंने भी जाना है वहाँ पे। रुक जा, खोलने तो दे पहले। जब भी हम कोई काम करते हैं ना या फिर अपने घर से पीछे ही तक जाते हैं तो ये भी करते हैं, मुझे भी लेके चलो। लग पड़ा ये देखो, अब एक बार पहले इसको भी घुमा के लाना पड़ेगा, तब जाके इसको चैन मिलेगा कि हाँ ठीक है। मम्मी देखो ब्रोनो को भी आया, चल वो देखो क्या किया इसने भी। है ना, ये देखो ये भी आ गया ब्रोनो भी हमारा। तो गाइस देखिए आज हो रही है सरसों की कटाई, तो चलो अब तो चल घर पे। पक गई है पापा सरसों? सरसों अभी है, थोड़ी नीली है तो बीच बीच में पक गई है। हाँ बीच बीच में पकी है, तो ब्रोनो पकी निकाल लेते हैं। अच्छा पहले इसको मैं एक बार घुमा के लाऊँ ना। देखो देखो क्या चलता है सरसों के बीचों बीच में, मटक मटक के। चलो जी हो जाओ स्टार्ट। अभी हम जैसे सरसों की कटाई कर रहे थे तो भैया भी हमारे घर पे आए हैं कुछ लेकर, और ये देखिए आपको भी दिखाते हैं। गाइस ये देखिए, इसमें पूरा लेडीज़ का सामान है, लेकिन जेंट्स का मैंने भैया से पूछा तो सिर्फ कड़ा है, ये वाला एक बस कड़ा ही, और कुछ वो ब्रेसलेट है ना, ये सलमान खान वाला है कड़ा। ये वाला कड़ा दिखाओ मेरे को, मैं देखूँ कैसा है। गाइस अभी मैं कड़ा एक देखता हूँ। नहीं, इनके साथ में इनको वो लग जाता है गले में, मम्मी को गले में खारिश वाला जाती, तभी उन्होंने ये भी लगाई हुई है, इससे नहीं होता बाकी वो। हाँ ये वाला यह कितने का? ये 40 रुपए है। तमगा है, प्योर तांबा है कि? हाँ तमगा, लेकिन इसमें ये कुछ व्हाइट मिक्स है ना। नहीं नहीं ये चुभेगा मेरे को बाद में। आपने ज्यादातर लेडीज सामान लाया हुआ है क्योंकि लेडीज के बाल ही आप लेते हो जाए तभी। देखो चूड़ियां ना वैसे अच्छी हैं, देखो अम्मा कड़े से आई है। ले ले है ना, एक ही ले लेते हैं गाइस, रिंग ले लेते हैं। अब भैया आए हुए तो कुछ तो कुछ ले लेते हैं इनसे, और इनको भी कुछ दे देंगे। ये लॉकेट भी तो जेंट्स का ही है ना? हाँ, लॉकेट भी जेंट्स का है। कुछ और भी डिजाइन है, तो 786 दूसरा भी 786 है। हाँ ऐसे डलेगा कि खोल के? हाँ ऐसे डलेगा। कैसा लगा? सही है। नहीं यार 786 आ तो ये अच्छा होता है, लकी नंबर होता है, सुना है ना, लकी नंबर होता है। लेकिन सही लग रहा है गले में, सही लगे तो मैं लूँ। अब देखो अपना अच्छा होना चाहिए, अपना अपना अच्छा होगा तो वो अच्छा। आप भी ले लो कुछ। नहीं नहीं कुछ उनको नहीं कुछ पसंद आ रहा। अब कहाँ से? डोडा से। डोडा से और रहने वाला तो असम गुवाहाटी। असम गुवाहाटी से। अच्छा चूड़ियाँ रख लो। अभी अभी आया, पैसा भी नहीं है अभी इसी पे। चलो यार ठीक है। देखो दूसरों के बाल ऐसे छोटे से, हमारी ये जो बाल है मेरे बहुत लंबे हैं ये। आगे, इन आगे बालों का भैया होता क्या? वैसे ये फिर से रिसाइकल होते हैं, बनते हैं इसको, होते हैं नकली बाल बनते हैं। अच्छा नकली बाल है ना। अच्छा अच्छा, इसको लेकर के मशीन में डालना है। अच्छा लंबी करना है इसको। हाँ मैंने देखा था ना टीवी में, दिखा रहे थे ना। हाँ यूट्यूब पे भी दिखाते दिखाते गूगल पे सर्च करने से हाँ मिल जाता है, हमने देखा था एक बार। अच्छा चलो यार, ओके जी थैंक यू। चलो गाइस ले लिया हमने भी ये लॉकेट, अब यहीं से निकल जाओ तो भोंगता। हाँ ऊपर से निकल जाओ। जब कोई हमारे घर पे आ जाता है ना तो इसकी हालत ऐसी हो जाती है,
बस चले गए चले गए। तो ले लिया हमने, मम्मा ने ली है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ दिखाओ हमारे व्यूअर्स को, इधर आके दिखाओ थोड़ा। हाँ कैसी हैं? हाँ ये अच्छी चूड़ियाँ मम्मा ने ये ली हैं चूड़ियाँ, और ये उसकी भारी चूड़ियाँ उसकी पीने वाली नहीं है ना। ब्रूनो यार अच्छा तेरे को पहना दूँ फिर लॉकेट, इसको पहना दूँ फिर, तूने पहनना है, तेरे गले में डाल दूँ यार। तो वो जा रहे ना अंदर, तो चलो लॉकेट लॉकेट पहन लिया है ब्रूनो, बहुत ज़्यादा भोंगने लग पड़ा है। तो ना क्या ठीक है, बाल ले लिए तो ठीक मिल गया सामान। कितने का? तो सत्तर का मेरा फ्लाइश हो नहीं, 300 दिया था उन्होंने वैसे। हाँ यार बाल तो वैसे काफी थे आपके ना, इतने भी तो थे 300। लेकिन उन्होंने कितने बनाए हमारे? 70 मेरे, तो ये 30 की, 100 30 की नहीं तो ज्यादा होंगी, ये चूड़ियाँ थोड़ी ज्यादा होंगी। उन्होंने लगा लो 70 50 60 की तो होंगी, वही 150 रुपया बनाया शायद से, 150 रुपया बनाया होगा। चलो यार वो बेचारे आए थे, वो कहते हैं कि मेरे पास अभी कमाई भी नहीं हुई है, तो इसीलिए है ना कमाई उनकी हुई नहीं थी फर्स्ट टाइम ही, वो यहाँ मतलब अभी जो सुबह सुबह जो बोनी यहाँ पे हुई थी, तो बाल ही मम्मा ने दे देते हैं सारे। मम्मा के ये बाल तब के गिरे थे, कब गिरे थे मैं जब आपके वो थे कोरोना वाला टीका, वो गर्म होता है क्या हमारा, उसके बाद फिर मेरे बाल उतने हो गए। अच्छा हाँ मैं तब निकले थे, पतले हो गए थे जरा। अच्छा अभी तो ठीक है। चलो यार ठीक है, वैसे बोलता पैसे में भी बोनी भी नहीं हुई, सुबह सुबह बोनी भी नहीं हुई ना उनकी, और हमने भी ले लिया, और एक मैंने रिंग ली और एक लॉकेट लिया, मम्मा ने चूड़ियाँ ली। रुनो बस यार मत भोंक गाइस, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहता है ये। चलो तो अभी देखिए पहले आप मम्मा और पापा को अखरोट पता नहीं कहाँ से आते होंगे। बीच बीच में तो थोड़ी ये जो हरी हरी है, ये जो हरी हरी है इसका अभी नहीं काटेंगे, अभी दो दिन है ना, अभी नहीं है पक्की सही से। ये इधर से ये वाली जगह पे तो पक गई, गिर रही है। दो मैंने भी काटनी है थोड़ी सी। कौन सी मम्मी कहाँ से काटनी बताओ? हाँ जरी सब याद उसे दिखाओ मेरे को भी, हमारे व्यूअर्स को कि मेरे को भी सरसों काटने आती है कि नहीं आती, अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ मैं। ये लो ये क्या मिला को खाने के लिए? पापा भी खा रहे हैं गाइस, यहाँ पे फलियाँ मिली हैं अभी हमें। ये होती है खाने वाली आइटम। कैसी है? बस मैंने खाई है पहले ही बचपन में। ये खुद ही लगती है ना, देखो देखो गाइस अब मैं अभी सरसों की कर रहा हूँ कटाई, और ये देखिए, और ये इजी होता है, इतना हार्ड भी नहीं होता करना आपको, इसी तरीके से ऐसे काटनी होती है। साइड में आपको ढेर लगाना है, आज आपको मेरे कपड़े भी थोड़े अलग से लगे रहेंगे, ऐसे कपड़े शायद से ड्राइवर के होते हैं, तो आज शायद मैं ड्राइवर बनाऊ है ना मम्मी, काम में ऐसे होते हैं। ब्लू, ये ब्लू कलर का हमारा पजामा है, ये स्काई ब्लू कलर की कुछ ग्रे, कौन सा कलर है स्काई ब्लू कलर की, ये ड्राइवर की कपड़े पहने हैं ड्राइवर के, ये क्या ग्रे कलर, ये क्या ब्लू कलर। गाइस देखिए सरसों की कटाई आज हमारे घर पे हो रही है, और अभी ये फ़िलहाल हम सारी कटाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी क्षेत्र पकी भी नहीं है, और जहाँ जहाँ से पकी है वही काट रहे हैं फिलहाल अभी।
सब कच्ची है, अभी नीली है, दाने पके नहीं इसके, तो काले हुए, काले जब पकी हुई थी ना उसके दाने काले होते हैं, इसकी अभी वो है ग्रीन ही दाने, लाल लाल जैसे। तो अभी हमने कट कर दिया जितनी पकी थी, बाकी अभी हम बाद में कट करेंगे। साथ में आज आपको दिखाने वाले हैं हमारे घर पे क्या क्या लगा हुआ है। तो मम्मा भी, हमारे मम्मा चलो आप भी दिखाओ हमारे व्यूअर्स को ना, अच्छी आ रही है गुजर आ रहे हैं घर के कामों में, खुद आज देखो कैसे बनाऊं। ये देखो जी क्या है, सबसे पहले ये दिखाओ कि क्या हमारे प्याज लगाया है, ठीक है, उसके बाद ये धनिया, पूरे फिंगर से दिखाओ ना हमारे व्यूअर्स को, सही से पता चल जाएगा। ये है घर की प्योर देसी धनिया, ठीक है, ये देखिए, और ये प्याज है इस क्यारी में, और ये लहसुन, अच्छा लहसुन। तो गाइस देखिए कितना लहसुन लगाया हमने, ये घर का लहसुन है ना, बिल्कुल फ्रेश घर का जो लहसुन है, मार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं है। मूली शट्टू कहाँ पर, ये वाली मूलियाँ है ना, घर की जो मूलियाँ बिल्कुल फ्रेश ताज़ा जबरदस्त वाली, और ये वाला शट्टू फलियाँ, तो फलियाँ भी लगी हैं यहाँ पे, ये देखिए शट्टू दूसरे थोड़ा समझता नहीं शट्टू क्या हुआ हाँ क्योंकि बाकी लोग नहीं पता लगाएगा तो वही समझेंगे ना, हाँ बाकी हमारे और भी व्यूअर्स हैं। तो ये है फलियाँ, ठीक है, फलियों की वो लगी हुई है, इसकी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। सामने वाला जो पेड़ आपको छोटा सा दिख रहा है, ये है आलू बुखारे का ये वाला। तो और क्या लगाया है, कौन सी पापा भी हमारे यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो बताओ ये जो पेड़ है जो वो सामने वाला लगा, ये कुछ है, अच्छा अच्छा आगे लगाया धनिया पाल आगे, ओए ये बात, ये क्या है पूरा, बस ये पूरा प्याज ही है, अच्छा ये पूरा प्याज है, इतना प्याज कौन खाएगा, हम तो वैष्णो है यार सब्जी में तो डलता ही है, प्याज खा लेते हैं, प्याज तो खा लेते हैं है ना। बाकी ये प्याज लगा, और आगे क्या लगा हुआ, और भी कुछ लगा हुआ है, ये देखिए पूरा प्याज लगा हुआ हमारे क्यारी में खेतों में, और ये वाला कुछ मम्मा ही बताएंगे अभी क्या लगा हुआ है, ये देखिए। तो मम्मा बताओ हमारे व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं हमारे घर पे क्या क्या लगता है। ये अभी दूसरी धनिया लगाई है, अच्छा ये दूसरी वाली धनिया है, ये बड़ी वाली है ना, ये लगता है वो जो मार्केट में बड़ी होनी फिर, अच्छा पालक, हाँ पालक है, पालक लगी है ये वाली पालक, और ये बीच में बड़ा वाला ये आलू, आलू ठीक है। तो गाइस खीरे भी लगे हुए हैं ना, तो गाइस इतना कुछ लगा, हमारे घर की ही सब्जियां तैयार हो जाती हैं खाने पीने के लिए। अभी जैसे जैसे आगे दिखाना पड़ेगा उधर, जैसे कहीं बीच में है, बीच में है तो चलो यहाँ कहीं बीच में गाइस खीरे का भी है, तो बहुत ही बढ़िया है, घर की ही सब्जी खेती हो जाती है, और तेल भी आप घर का ही सरसों जैसे लगी हुई है, तो घर का ही सरसों का तेल है ना, मतलब जीना आसान है पहाड़ों का तो पहाड़ियों का जीना थोड़ा आसान है, आसान ऐसे ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो तो हमें गेहूं और चावल तो दे ही रहे हैं राशन से डिपू, और बाकी सरसों हम लगा लेते हैं घर पे, तेल बन जाता है, और सब्जियां प्याज लहसुन घर पे ही उगा लेते हैं, और बस ज़िंदगी कट जाती है। तो गाइस आपको कैसा लगता है कि क्या ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों से कट सकती है, कि अगर आपको घर पर इसी तरीके से आप रहोगे तो कैसा रहेगा लाइफ में, मेहनत करनी पड़ती है बस फिर इन चीज़ों के लिए। तो बाकी और कुछ, नमक मार्केट से लाना पड़ेगा, हल्दी मार्केट से लानी पड़ेगी, तो वैसे हल्दी का भी एक लगती है, घर की देसी हल्दी होती है, उसको आप उगा के तो हल्दी का भी काम कर सकते हैं, नमक लाना पड़ेगा बस मार्केट से। तो बाकी और भी पापा ने बहुत कुछ लगाया है यहाँ पे ऐसे गुलाब लगे हुए हैं, वहाँ पे वो लगा हुआ है आड़ू का लगा हुआ है, खुबानी के लगे हुए हैं, ये बड़ा खुबानी का पेड़ है। ब्रूनो भाई, ब्रूनो ये हमारा ब्रूनो है, तू इतना तंग क्यों करता है यार, हाँ ब्रून इतना तंग क्यों करता है, इधर देखा कैसे भागता है, देखा कैसे भागता है, इतना तंग क्यों करता है तू, हाँ इतना तंग क्यों करता है, चल बैठ जा कुछ नहीं, इसको ऐसे करो फिर ज़्यादा ही मशा जाता है।
पहला प्यार नी भुलाना हो पहला नी अगे नी मिले दा ठिकाना हो। गाइस अभी एक रील है, रील ही बन चुकी है, आज शाम को 5 बजे रील अपलोड हो जाएगी। पहला प्यार अशोक हंसी का सॉन्ग है, बहुत ही धमाकेदार सॉन्ग है, और आप सब जरूर उसको देखें और लाइक करें, और फिलहाल हमारी रील को भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे भी रील अपलोड हो जाएगी, और बाकी फुल सॉन्ग तो उन्हीं के चैनल पे है। पहला प्यार नी भुलाना हो अगे नी मिले दा ठिकाना हो। ये नहीं मेरे कपड़ों में बिच्छू, कहीं ऐसा नहीं मेरे कपड़े में बिच्छू घुस गया हो, कभी कभी बिच्छू कीड़े भी होते हैं इनके बीच में। तो मैं लेकर आ गया हूँ सरसों, और यहाँ पे रख दिया हमने सरसों। अभी थोड़ा काटा पूरा। हाँ पूरा, अभी पूरा नहीं ना काटा। हाँ अभी थोड़ा सा, अभी ऐसे थोड़ा सा ये पका, अभी एक दो दिन के बाद काट। हाँ गाइस अभी देखो पूरा उतना ही, अभी हमें साइड से, क्योंकि अभी पूरा सही से ना पका नहीं है, जब सही से पूरा पक जाएगा उसके बाद एक दो दिन के बाद काटेंगे हम इसको। लगता कुछ चला गया, बिच्छू चला गया लगता है। आई बिच्छू है। वो इधर बिच्छू। पीठ में ना बिच्छू चला गया था, जंगली बिच्छू, और उसने मुझे काटा भी था, तब से तो गाइस डर ही लगता है बिच्छू से, लेकिन बिच्छू से ज्यादा स्ट्रांग तो मैं हूँ। तो गाइस अभी स्कूटी धोने का भी प्लान बन चुका है, और मैं धो लेता हूँ स्कूटी, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, टायर देखो पूरे भर गए हुए हैं। स्कूटी वॉशिंग करने के फॉर्म में आ गया हूँ, और म्यूज़िक तो हमने लगा दिया हुआ है, अशोक हंस जी का सॉन्ग है, न्यू सॉन्ग ये रिलीज़ हुआ है आज ही, और काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, मैंने भी प्ले कर दिया हुआ बाहर, और इसी सॉन्ग को सुनते सुनते अभी मैं अपनी जो स्कूटी है उसको वॉश करने वाला हूँ, और इन्जॉय करते करते। धूप भी काफ़ी अच्छी निकली है, तो बस गाइस अब मैं स्कूटी वॉश करता हूँ, म्यूजिक भी मैंने लगाया हुआ है इसी सॉन्ग पे, आज शाम को 5 बजे रील आ जाएगी आप सबके लिए, आप सबने उसको प्यार देना है। इंस्टा पे नहीं हो तो फॉलो जरूर करें। गाइस आई होप आपको मजा आएगा। फिर बंद, लाइट भी बंद हो चुकी है, और बस आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं इसी तरह के कुछ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।